गुड आफ्टरनून ऑल. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम शान पांडे इंस्टीट्यूट ऑफ यू एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन माई टॉपिक इलेक्ट्रो केमिकल मशीन. एंड आई अप्रिशिएट आई एम गोइंग टू थैंक आवर एचओडी पटेल सर टू गिव ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड ऑल ऑफ अस हियर सेमिनार ऑन स्मार्ट बोर्ड. सो लेट्स बिगिन माई टॉपिक इज ECM, which is electrochemical machine. ECM, अगर हम ECM का बात करें तो ECM का स्टैंड होता है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन. इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में हम सबसे पहले ये टाइप ऑफ बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग एक नॉन कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है. अगर हम बात मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का बात करें तो दो टाइप का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम कर सकते हैं, एक कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और एक नॉन कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमारा जो टूल होता है और वर्कपीस होता है उसमें एक प्रॉपर कॉन्टेक्ट होता है. लेकिन नॉन कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का बात करें तो जो टूल होता है और जो वर्कपीस होता है उसके बीच में उतना कॉन्टेक्ट नहीं होता है. और ये जो नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस होता है ये काफ़ी हाई, इसका एक्यूरेसी काफ़ी हाई होता है और इसका इनिशियल कॉस्ट भी काफ़ी हाई होता है और इससे एक काफ़ी अच्छा सरफेस फिनिश हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. हम इस ECM में बात करेंगे सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन की, उसके बाद इसके प्रिंसिपल की, उसके बाद इसके वर्किंग की, फिर बाद में हम एक छोटे से शॉर्ट वीडियो से समझने का ट्राई करेंगे कि ECM वर्क कैसे करता है. तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का बात करें तो इसमें डीसी सोर्स होता है बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हमारा कनेक्टेड होता है. आप देख सकते हैं अगर हम इस फिगर को देखें तो ये हमारा ECM का फिगर है. इसमें हम ये डीसी सोर्स है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल हमारा वर्कपीस से कनेक्टेड होता है और जो निगेटिव टर्मिनल होता है वो हमारा टूल से कनेक्टेड होता है. और ये जो टूल है हमारा इसके बीच में एक नैरो पासेज होता है जिसको हम लोग ऑरिफिक से नाम से हैं और इससे जो इलेक्ट्रोलाइट पास किया जाता है जो वर्कपीस से मटेरियल का निकल होता है उसको मटेरियल को फाइनल हटाने के लिए उस जगह से यानी कि वो चिप या जो भी डस्ट का फॉर्मेशन हुआ वो मटेरियल का उसको हटाने के लिए किसी इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से हम उसको हटाते हैं. और ये जो टूल होता है हमारा वो सर्वो कंट्रोल मीटर से कंट्रोल किया जाता है. जैसे कि हम पहले जाने की नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में क्या होता है मेरा जो टूल और वर्कपीस के बीच में कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता है तो उसमें कॉन्टेक्ट नहीं बनाने के लिए हम सर्वो कंट्रोल मीटर से अगर हम ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पर वर्क करता है तो अगर हम इसके बीच का जो गैप ज़्यादा कर देंगे तो मे भी जो हमारा पावर है वो कम पड़ जाएगा तो मटेरियल का रिमूवल प्रॉपरली नहीं हो पाएगा. और यहाँ पे एक फिक्सर बना होता है, फिक्सर के बारे में मुझे जानते हैं. फिक्सर एक ऐसा डिवाइस है जो वर्क को वर्कपीस को प्रॉपरली होल्ड करके रखने का वर्क करता है. फिर साइड में एक टैंक लगाया जाता है जो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट आता है वो यहाँ से इस टैंक में स्टोर होता है और फिर से एक पंप के द्वारा फिल्टर करके फिर से उसी इलेक्ट्रोलाइट का यूज हम जो हमारा वर्कपीस है उसके जो मटेरियल है उसको मटेरियल रिमूव कर रहा है उसको रिमूव करने के लिए कर सकते हैं. टूल का बात करें तो ये एक स्पेशल डिजाइन का जिसमें हम वर्क करते हैं ECM के लिए. ये जो फॉर्म होता है ये जिसमें होता है वो हमारा कैथोड फॉर्म होता है. ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है इसलिए कैथोड का फॉर्मेशन करता है. और इस टूल के जो इनसाइड में एक इलेक्ट्रोलाइट फ्लो करता है जो एक पास नैरो पास होता है उसको हम लोग ऑरिफिक के नाम से जानते हैं. जो ये टिप जो टूल होता है उसका जो टिप होता है वो सेम डिजाइन का बनाया होता है जैसा डिजाइन का हमको मटेरियल प्रोड्यूस करना है. अगर हम टॉप टाइप का मटेरियल बनाना चाहते हैं या फिर जो मटेरियल है हमारा उसके हम कुछ सर्फिस सर्फिस देना चाहते हैं कोई अलग से ग्रूप बनाना चाहते हैं तो उसी टाइप का टिप जो टूल है उसका टिप हमको ऐसा ही रखना होगा. इसमें मेनली जो वर्क मटेरियल होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट जनरली हम लोग यूज करते हैं वाटर सोल्यूबल एनएसएल और वाटर सोल्यूबल सोडियम नाइट्राइड का यूज करते हैं. फिर जो इसका जो
ये जो प्रोसेस होता है ये डिफ्यूजन के प्रोसेस होता है। अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करके जो मटेरियल का डिफ्यूजन किया जाता है उस मेटल के सरफेस से, और उस मेटल के सरफेस से डिफ्यूजन करके उसको इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ये फिल्टर का बात करें तो फिल्टर के बारे में जो फिगर में देखें, फिल्टर हमारा क्या काम करता है, फिल्टर हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है जो उसका मटेरियल रिमूवल जो कैरी करके आ रहा है उसको फिल्टर करके फिर से हमको यूज़ करने में काम आता है। फिर सर्वो कंट्रोल मीटर यूज़ करता है, सर्वो कंट्रोल मीटर हम यूज़ करते हैं जो टूल है उसको वर्कपीस के सामने में वर्कपीस को कंट्रोल करें, वर्कपीस के बीच में गैप बनाएं, वो जो गैप होता है वो 0.6 mm तक का गैप कंट्रोल करने के लिए सर्वो कंट्रोल मीटर से करते हैं। अगर हम इसके प्रिंसिपल का बात करें तो ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को बात करता है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का बात करें तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट से पास कराते हैं उतना ही अमाउंट ऑफ जो मटेरियल से जो मेटल का रिमूवल है वो उतना ही अमाउंट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम उसे पास कराते हैं। फिर इसका हम बात करें तो ये एक रिवर्स प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, एक मटेरियल के सरफेस पर दूसरे मटेरियल के सरफेस को चढ़ाया जाता है, उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। उसका ये रिवर्स प्रोसेस है बिकॉज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग में दूसरे मटेरियल को चढ़ाया जाता है और इसमें क्या किया जाता है, मटेरियल के सरफेस से दूसरे मटेरियल उसी मटेरियल को हटाया जाता है, इसलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है उसका रिवर्स। फिर इसके हम वर्किंग का बात करें तो ECM में इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो प्रोड्यूस होता है जिससे क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी दोनों का फॉर्म होता है। इसी में वर्किंग का बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी दोनों का फॉर्मेशन होता है। जब हम DC सोर्स को ऑन कर देते हैं तो जो बैटरी जो ऑन करते हैं DC सोर्स को तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस के आने से क्या होता है कि वर्कपीस सेटअप कर जाता है और जो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है सर्किट के बीच में। फिर क्या होता है, जो एक बस हमारा NaCl है वो आयन्स में स्प्लिट कर जाता है, जैसे हमारा NaCl है वो हमारा आयन्स में कन्वर्ट कर जाएगा Na+ और Cl- में ब्रेक कर जाता है। Na+ और Cl- में ब्रेक कर जाता है। जो फिर जो एक प्लस और जो एक प्लस NaCl है जो वाटर है हमारा एक प्लस और वो हमारा क्या होता है H2O जो है हमारा वो हमारा H+ और जब गर्म होने पर H+ और OH- में हमारा ब्रेक कर जाता है। क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी हम किसी सर्किट से फ्लो कराएंगे तो जूल्स लॉ के अकॉर्डिंगली हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, तो उसको वजह से ये वाटर H+ और OH- में ब्रेक कर जाता है। फिर आगे जो ये प्रोसेस होता है उससे क्या हो जाता है, जो फूल है उस पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स डिफिशियंसी इलेक्ट्रॉन्स फूल जो है अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज करने लगता है। फिर क्या होता है, जो हमारा वर्कपीस है वो एफी जो वर्कपीस है वो मेटल रिमूवल करने लगता है। मेटल रिमूवल करने के बाद में जो आयरन का जो अमाउंट है वो क्या होता है, हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन से रिएक्शन करके फेरस हाइड्रोक्साइड और फेरस को ड्राई करता है। और इस प्रोसेस के बाद में क्या होता है, जब ये फिर इस प्रोसेस के बाद में सरफेस से मटेरियल का रिमूवल होने लगता है। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो इसमें टूल वियर का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है क्योंकि टूल डायरेक्टली कभी भी उस वर्कपीस के टच में आता ही। फिर हम बात करें तो कंकेव और कन्वेक्स कर्व सरफेस प्रोसेस का बात करें तो उसका वर्क करना इसमें ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर हम कन्वेक्स या फिर कंकेव सरफेस का वर्क करना चाहते हैं तो उसका वर्क हम लोग इफिशियंटली उससे कर सकते हैं।
फिर सरफेस फ्रीज इसे बहुत ही अच्छा मिलता है और इससे उतना अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड नहीं होता है जितना अगर हम कन्वेंशनल मशीनिंग का बात करें। फिर अगर इसके लिमिटेशंस का बात करें तो ये यूज किया जाता है फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल्स में, इसको हम वो ऐसे मटेरियल्स के लिए यूज कर सकते हैं जो ओनली इलेक्ट्रिकल को कंडक्ट करते हैं। फिर इसका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट काफ़ी हाई होता है इसके लिए और जो रूस रिस और टूल एंड वर्क इज कोरोजन अगर हम एसिडिक और स्लाइम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो जो हमारा वर्कपीस है और टूल का कोरोजन होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। इसके बाद में छोटा सा वीडियो है इसके बारे में, इसी एम के बारे में दिखाया गया है। Thank you.